Hello friends, I am Rohan Saluja, trainer, motivational speaker and business coach. Dear friends, आज customer का expectation level काफी बढ़ चुका है. Customer की choice, customer की जो सोच है वो पूरी तरीके से बदल चुकी. आज कोई ऐसी चीज या फिर कोई ऐसा factor जो आपको आपके competitor से अलग बनाता हो वो है wow factor. कि कैसे out of the box जाकर आप अपने customer को wow feel कराते हैं, कैसे आप अपने customer को एक memorable experience देते हैं, एक ऐसा अनुभव जो आपका कस्टमर बाहर जाकर बाकी कस्टमर्स के साथ शेयर करता है और उनको रिकमेंड करता है कि वो कस्टमर आपके स्टोर पर आए और आपसे शॉपिंग करें ताकि उनको भी वही एक्सपीरियंस, वही वाव फीलिंग मिले जो उस कस्टमर को मिली. आज 21st सेंचुरी में कोई एक ऐसा फैक्टर जो सबसे ज्यादा कस्टमर को अपील करता है वो है वाव फैक्टर. मैं अक्सर देखता हूं एविएशन इंडस्ट्री के अंदर जहां मैं एयर होस्टेस को देखता हूं कि वो बिल्कुल एक रोबोट की तरह बात करते हैं. ऐसा लगता है जैसे कोई रोबोट बात कर रहा हूं. कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि उन्होंने अपने फेस में एक नकली मुकोटा लगाया हुआ है, एक फेक मास्क कि हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, वुड यू लाइक टू ऑर्डर समथिंग. ऐसा लगता है जैसे कोई रोबोट बात कर रहा हूं. आज कॉर्पोरेट अमेरिका इतनी तरक्की क्यों कर रहा है? क्योंकि वहां हर एक सेल्स प्रोफेशनल, वहां हर एक फ्रंटलाइन एग्जीक्यूटिव जब स्माइल करता है स्टाफ को तो ऐसा लगता है कि वो स्माइल दिल से आ रही है, ऐसा लगता है कि वो स्माइल ऑनेस्टली है और उस स्माइल की वजह से कस्टमर और एक सेल्स प्रोफेशनल के बीच एक इमोशनल कनेक्शन डेवलप होता है. आपको आपका बिजनेस अपनी सोच से नहीं बल्कि आपके कस्टमर की सोच से करनी कि आपका कस्टमर क्या चाहता है, आपके कस्टमर की क्या सोच है. जब कभी आपका कस्टमर किसी प्रॉब्लम पे होता है या फिर वो फ्रस्ट्रेट होता है किसी बात को लेकर, तब डियर सेल्स प्रोफेशनल आपको इस तरह से अपने कस्टमर को कहना चाहिए कि आई अंडरस्टैंड डियर कस्टमर कि आप कैसा फील कर रहे होंगे. बीइंग अ कस्टमर हमने भी ये फील किया था जब हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हुई थी. आई अंडरस्टैंड बट डोंट वरी माय डियर कस्टमर, आई एम रेडी टू प्रोवाइड यू इंस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम. यहां से आप अपने कस्टमर को वाव फील कराते हैं. जब कभी एक ऑनर एक सेल्समैन बन के काम करता है तो वो ऑनर ये नहीं सोचता कि उसको शॉर्ट टर्म बेनिफिट कमाना है, किसी तरीके से कस्टमर प्रोडक्ट को बाय कर ले, बल्कि उस ऑनर की एक सोच होती है कि कैसे उस कस्टमर को एक लॉन्ग टर्म के रूप में कन्वर्ट किया जा सके, कैसे उस कस्टमर को एक लॉयल कस्टमर बना सके, कैसे उसके साथ एक इमोशनल कनेक्शन डेवलप कर सके, कैसे उस कस्टमर को हम आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस दे, उसे वाव फील कराएं. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, 43-44 डिग्री का टेम्परेचर है. उस टेम्परेचर में एक कस्टमर आपके स्टोर पर प्रोडक्ट बाय करने को आता है और ठीक उसी वक्त आपका पानी पिलाने वाला जो एम्प्लॉय है वो उस कस्टमर को फुल ग्लास चिल्ड वाटर ऑफर करता है, पूरा ग्लास भरा रहता है. जरा सोचिए उस ठंडे पानी को पीकर कस्टमर कैसा फील करेगा. आह, सुकून मिल गया, आनंद आ गया. That is called the wow feeling. जब आप एक भीषण गर्मी में जब कस्टमर आपके स्टोर के अंदर आया, आप अपने कस्टमर को वॉश क्लॉथ ऑफर करते हैं विथ मिंट फ्लेवर और जब उस वॉश क्लॉथ को आपका कस्टमर अपने फेस पे रब करता है, जरा सोचिए कस्टमर को कैसा फील होगा. That is again called the wow feeling. कस्टमर को लगता आह, आनंद आ गया. एक सेल्समैन जब कस्टमर शॉपिंग करने के लिए आता है और कुछ सी प्रोडक्ट को देखता है, किसी प्रोडक्ट को बाय करने का निर्णय लेता है, तब जब एक सेल्स प्रोफेशनल उस कस्टमर को ये कहता है कि डियर कस्टमर इस प्रोडक्ट को मत लो, मानता हूं ये प्रोडक्ट 3000 का है लेकिन ये प्रोडक्ट आपके लिए वर्थ नहीं है, ये प्रोडक्ट आपकी नीड को फुलफिल नहीं करेगा, मैं जो प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूं उसकी कीमत मात्र 1800 रुपए, पर वो प्रोडक्ट आपकी नीड को भी फुलफिल करेगा और वो प्रोडक्ट आपके लिए वर्थ रहेगा. यहां सेल्स प्रोफेशनल सेल्स के बारे में नहीं सोचता, यहां सेल्स प्रोफेशनल शॉर्ट टर्म बेनिफिट के बारे में, शॉर्ट टर्म जो उसको ग्रोथ मिल जाए, शॉर्ट टर्म लाभ हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, उसके बारे में नहीं सोचता. यहां वो सोचता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर के बारे में. दैट इज अगेन कॉल अ वाव फीलिंग. आज अमेजॉन एक ऐसी कंपनी जिसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक कस्टमर को मेमोरेबल एक्सपीरियंस, एक वाव फील देने के लिए होता है, जहां जब कस्टमर प्रोडक्ट को रिटर्न करता है तब अमेजॉन खुले दिल से कस्टमर की कंप्लेंट का स्वागत करता है, उस प्रोडक्ट को रिटर्न लेता है, प्लस जो कस्टमर को अमाउंट रिफंड करना होता है उसके लिए अमेजॉन कस्टमर को बराबर मैसेज करता है कब प्रोडक्ट डिलीवर होगा, कौन सा व्यक्ति आके डिलीवर करेगा, उसका नंबर क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, सब कुछ एडवांस में अमेजॉन मैसेज करके इन्फॉर्म करता है कस्टमर को. दैट इज अगेन कॉल अ वाव फीलिंग. जब कभी आप अपने वैल्यूएबल कस्टमर को
उनके बर्थडे या फिर उनके एनिवर्सरी में पर्सनली उनके घर जाकर जब आप डोर बेल बजाते हैं और कस्टमर बाहर निकल के आता है, आप अपने कस्टमर को कहते हैं कि डियर कस्टमर हैप्पी एनिवर्सरी, डियर कस्टमर मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये छोटा सा बुके हमारी तरफ से, दिस इज अगेन कॉल अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस, अ वाओ फीलिंग। मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक ऐसा ब्रांड जिसपे पूरे भारतीयों को काफी ट्रस्ट है, काफी विश्वास है कई सालों से। मारुति सुजुकी भी हर साल अपने वैल्यूबल कस्टमर के लिए एक प्रोग्राम करता है जहां वो अपने वैल्यूबल कस्टमर की कारों को फ्री में वॉश करता है, फ्री में सर्विस प्रोवाइड करता है। दैट इज अगेन कॉल अ वाओ फीलिंग और अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। वाओ एक पावरफुल एस्पेक्ट है, एक पावरफुल टूल है आपके बिजनेस के अंदर, जहां वाओ सेपरेट करता है यस को नो से। जब कभी आपके कॉम्पिटिटर कस्टमर को किसी चीज पे नो कहते हैं और उस जगह पर आप अपने कस्टमर को यस कहते हैं, अगेन आप अपने कस्टमर को एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस देते हैं, आप अगेन अपने कस्टमर को वाओ फील करा देते हैं। कैसे? जहां आप कस्टमर की प्रॉब्लम को सुनते हैं, क्योंकि कस्टमर को आपकी प्रॉब्लम से कभी कोई लेना देना नहीं होता, उनका कोई मतलब नहीं होता कि आपकी प्रॉब्लम क्या, उनको सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि आप उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे या फिर नहीं। उनको इन चीजों से प्रॉब्लम नहीं होता कि उनको प्रॉब्लम है, बल्कि उनको प्रॉब्लम इन चीजों से होती है कि आप उनकी प्रॉब्लम को समझते नहीं, आप उनकी प्रॉब्लम को उनको प्रॉपर हल नहीं देते। वो सेपरेट करता है वी कैन को फ्रॉम वी कांट। जहां आपके कस्टमर कहते हैं, किसी कॉम्पिटिटर के पास जाते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, और आपका कॉम्पिटिटर कहता है कि वी कांट, सॉरी मैं नहीं कर सकता, वहां आप कहते हैं डियर कस्टमर डेफिनेटली वी कैन, हम कर सकते हैं। वहां आप उनको एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस दे देते हैं, वहां आप उनको वाओ फील करा देते हैं। अपने कस्टमर को वाओ फील कराने के लिए आपको और क्या करना चाहिए? वाओ फ्रेंडली। जैसा मैंने आपसे कहा कि कॉर्पोरेट अमेरिका में सबसे बड़ा रूल ये है कि किसी भी कस्टमर के साथ बात करते हैं कि फ्रेंडली टोन सेट करना है। ठीक उसी तरह डियर सेल्स प्रोफेशनल्स, डियर कस्टमर एग्जीक्यूटिव, जब आप कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपका पहला टोन आपकी पूरी सेल्स की पिच, आपकी पूरी सेल्स की प्रेजेंटेशन को सेट करता है। फ्रेंडली इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना है, एक ऐसा इकोसिस्टम जहां कस्टमर को फील हो कि आप उनको एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट दे रहे हैं। दूसरा है वाओ फास्ट। आज कई ऐसे कस्टमर है जो क्वालिटी को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं पर स्पीड को नहीं। जितना आप इंस्टेंट उनको सर्विस देते हैं, जितना इंस्टेंट, जितनी जल्दी आप उनके प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन देते हैं, आप कस्टमर को वाओ फील कराते हैं। वाओ योरसेल्फ। कस्टमर को वाओ फील कराने के लिए डियर सेल्स प्रोफेशनल, डियर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, पहले आपको अपने आप को वाओ फील कराना होगा। आपको सोचना होगा कि यस आई एम वेरी एंथुसियास्टिक पर्सन, यस आई एम अ वेरी डायनेमिक पर्सन, यस आई एम वेरी एनर्जेटिक पर्सन, तब जाकर आप कस्टमर को वाओ फील कराएंगे। वाओ लॉन्ग टर्म। आपको हर कस्टमर को देखकर यह विजुलाइज करना होगा कि कम से कम मुझे इस कस्टमर के साथ काफी लॉन्ग टर्म चलना है, इस कस्टमर को मुझे एक लॉयल कस्टमर के रूप में कन्वर्ट करना है, एक ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस देना है कि कस्टमर हमेशा मुझसे बना रहे, वो इमोशनल कनेक्शन, वो संपर्क बना रहे। दैट इज अगेन कॉल अ वाओ एक्सपीरियंस। आज जितने भी सेल्स प्रोफेशनल, जितने भी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि कोशिश ये करें हर बार कि आप अपने कस्टमर को एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस दें, उन्हें हमेशा वाओ फील करें। आप देखेंगे आप भी ग्रो करेंगे और आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। मुझे इतने धैर्यपूर्वक और इतने अच्छे से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।